नमस्कार। आज एक बार फिर इस चुनावी माहौल में और मतदान के दिन हमारे स्टूडियो में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल जी और व्यापार क्षेत्र से जुड़े मोहन जैन जी मौजूद हैं। दोनों का स्वागत है। आज चूंकि मतदान हो रहा है, किसी क्षेत्र में बहुत तेज है, किसी क्षेत्र में बहुत कम है, मैं प्रवीण जी ये जानना चाहता हूँ कि पिछले बार लगभग 67% मतदान हुआ, अलग अलग देखा जाए, है ना। इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या ये मतदान अगर ज़्यादा हुआ तो किसी के पक्ष में, किसके पक्ष में जाएगा, और कम हुआ तो किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर मतदान मुझे ज़्यादा होने की संभावना इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से इंदौर जिले का चयन किया था कि यहाँ पर इंदौर चूँकि देश में सफाई के मामले में नंबर वन है तो मतदान के मामले में भी नंबर वन आना चाहिए। और उन्होंने एक रणनीति के तहत एक कार्यक्रम चलाया था इंदौर में जागरूकता का, विभिन्न स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया। इवन जेल में कैदियों से वोट डलाया गया, इवन जो ब्लाइंड गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उन तक को भी आज वोटिंग डालने के लिए ले जाया गया। तो एक चुनाव आयोग की पूरी कोशिश थी कि इंदौर किसी भी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और सब तमाम लोगों की कोशिश थी। तो वो पहल रंग लाती शहरी इलाकों में दिख रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विशेषकर महू रऊ इन दो विधानसभाओं में थोड़ा मतदान धीमा चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न आपका कि किसकी तरफ रुझान इसका जाता है, तो हर चुनाव में ये पैमाना बदल जाता है। 10-20 साल पहले जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस का युग हुआ करता था तो ज़्यादा मतदान को सरकार विरोधी माना जाता था, लेकिन अब जो ट्रेंड हो रहा है उसमें ज़्यादा मतदान को सरकार के पक्ष में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो विशेषकर युवा वर्ग जो पहली बार मतदाता बने हैं, जिनकी संख्या अच्छी खासी है, और जो उनसे बातचीत करते हैं, जो उनका रुझान दिखता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जन्म से लेकर वोट अधिकार तक उनने भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में देखा है, और कहीं ना कहीं वो मोदी से और शिवराज सिंह चौहान से प्रभावित होते हैं। तो एक बड़ा वर्ग, जो नया वर्ग मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमें जुड़ता हुआ दिखता है। इसके उलट ग्रामीण इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी का असर बहुत है, वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बहुत नाराजगी है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास शहरी और ग्रामीण इलाकों में नज़र आ रहा है। मोहन जी, एक बात बताइए आप मेरे को, ये जो चुनाव है इसमें आप कहीं किसका विरोध आपको देख रहे हैं, मतलब अपन देख रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान का बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, या इस चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों का दिख रहा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली का विरोध दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली का विरोध दिख रहा है जो उन्होंने GST नोटबंदी दोनों का एक साथ किया, उससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। आज व्यापार चौपट हो चुका है, इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, और निश्चित ये चुनाव परिवर्तन के रूप में याद किया जाएगा। हम माने कि ये मोदी जी की के लिए भी लिटमस टेस्ट है जी, अगर यहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक। एक और सवाल मेरा प्रवीण खारीवाल जी आपसे, प्रवीण जी, आप जो इस बार क्या कारण हो रहा है कि स्थानीय मुद्दों को कहीं पर भी, कोई भी स्थानीय स्तर पे, चाहे जो लोग जीते हैं स्थानीय स्तर पे भाजपा के भी, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर जीते हैं, वो सारे मुद्दे, चाहे स्मार्ट सिटी का हो या दो नंबर में विकास की बात होगी, उद्योग की बात होगी, सब ने की, पर वो सारे मुद्दे इस चुनाव में सब खत्म हो गए, कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, क्या कारण है? ये भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यशाली पहलू है कि यहाँ पर चुनाव हराने के लिए होते हैं। 75 की हम बात करें, इंदिरा शासन काल की इमरजेंसी उन्होंने लगाई, उनको सबक सिखाने के लिए लोगों ने वोट किया, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब वो नहीं चल पाई, असफल होते हुए दिखे, तो जनता ने उनको हराने के लिए वोट किया। उसके बाद फिर कांग्रेस का युग चला कुछ वर्षों बाद, फिर राजीव गांधी सत्ता में आए और बोफोर्स का एक छोटा सा दाग उन पर लगा, तो लोगों ने उनको हराने के लिए वोट किया। उसके बाद VP सिंह और जनता दल की गठबंधन सरकार आई, कारण मंडल कमंडल की लड़ी, लोग उससे चिढ़ गए, तो उनको हराने के लिए वोट किया। इसके बाद अटल जी की सरकार का दौर आया, एक वोट पे सरकार गिरी, इसके अलावा शाइनिंग इंडिया का मुद्दा लोगों ने जचा, उस पर सरकार गिरी,
प्याज के मुद्दे पे सरकार चली गई। तो और अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नो डाउट अभी तक के मुख्यमंत्रियों में काफ़ी सक्रिय और जनता को कई योजनाएं देने वाले मुख्यमंत्री, लेकिन उन सब चीज़ों की बातचीत ही बंद हो गई। इस समय सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है, महंगाई की बात चल रही है और बाकी सब चीज़ें गौण हो गई है। तो ये भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि यहाँ विकास पर बात नहीं होती है। शिवराज जी ने गर्भ के बच्चे से लेकर शमशान जाने तक की व्यवस्था अलग अलग योजना करी है, ढेरों योजना है, केंद्र सरकार की भी ढेरों योजना है, पर इस समय उनका कोई बात नहीं हुई। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या तात्कालिक मुद्दे एकदम से आ जाते हैं तो कई बार राजनेता सोचता भी है कि हम 5 साल क्यों काम कर रहे हैं, किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 बड़ी योजना, एक ग्रामीण इलाकों में मकान की योजना और एक बिजली की 200 रुपये वाली योजना, तो बड़ी अच्छी योजना है, पर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है उसमें उसका भी इनको लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक चिंताजनक पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ का कल्चर हो गया ये कि हिसाब चुकता करना, मतलब भैया अपने को जो मतलब 5 साल आप कुछ भी करो और आखिरी के महीने में क्या चीज आ जाएगी ऊपर से आपके माथे पे। कुछ दिनों पहले SC ST एक्ट वाली बात आ गई थी तो सारे राजनीतिक दल बड़े भयभीत रहे कि हम किधर जाएं, किस वर्ण में जाएं, अवर्ण में जाएं, सवर्ण में जाएं। तो आप ये देखिए कि हर सप्ताह जो नई चीज आती है, इसके पहले पेट्रोल के भाव चिंता का विषय थे, संयोग से वो थोड़ा सा नियंत्रित हो गए, तो चुनाव के पीरियड में कौन सी चीज़ ऊपर आके बैठ जाएगी आपके माथे पे और आपका कराया पूरा पानी फिर जाएगा, वो यहाँ पे हो रहा है। हाँ, मतलब मैं ये जो आप कह रहे थे तो कहना चाह रहा था मैं भी कि हमारे यहाँ हम ये माने कि अपना हिंदू जो हमारे इस देश का जो कल्चर है वो मतलब प्रोग्रेसिव मूवमेंट को लेके वोट डालने का नहीं है, है ना, अपने हिसाब चुकता करने वाला है कि ये नहीं जमा इसको हरा दो, तो सामने कौन आ रहा है इससे अपने कोई मतलब नहीं है। हमेशा ये होता है कि लोग हमेशा अच्छा विजन देखे, दूसरे देशों में शायद विजन देख के वोट देते हैं कि नहीं ऐसे चुनाव। हाँ, जिस तरह से मतदान के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है वैसे चुनाव के महत्व पे भी समय से पहले अभियान चलना चाहिए कि लोगों को महत्व लगे कि हम किन मुद्दों पर चुनाव का फोकस हो। चुनाव पर विदेशों में होता है, वहाँ मुद्दों की बात होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए भी एक सतत अभियान चलना चाहिए कि चुनाव में अपन किस मुद्दों पर फोकस रहें। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए पर मैं नहीं समझता, 1000 लोगों से पूछ चुका हूँ, किसी ने भी नहीं पढ़ा। जो अखबारों में जो मुख्य चीज़ हाईलाइट हो गई, बस किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, फलाना फलाना 4-5-6 चीज़ें, बच्चों को स्कूटी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन डीप में ना कोई जाता है ना कोई उसका फिर फॉलोअप लेता है कि बाद में सरकार ने वैसा किया भी कि नहीं। नहीं, आप मोहन जी मेरे थोड़ा सा ही बताएं कि पिछले कई चुनाव से मैं देख रहा हूं कि व्यापारियों का एक अलग से लगाव भाजपा के प्रति देखा गया, व्यापारियों का देखा गया, मिडिल क्लास का देखा गया, और ये माना गया कि हमेशा व्यापारी जो है लंबे समय बाद भाजपा से जुड़े हैं। क्या इस चुनाव में भाजपा से पूरी तरह मोह भंग हो गया व्यापारियों? पूरी तरह तो नहीं हुआ है, कुछ कुछ व्यापारियों का भी मोह भंग, क्योंकि जो सरकार ने व्यापारी के लिए कार्य अच्छे नहीं किए, उन्होंने व्यापारी को परेशान ही किया है पिछले 5 साल में, तो यानी व्यापारी की कमर तोड़ के रखती है सरकार ने। कहीं व्यापारी भी साथ में इन लोगों के, कहीं ना कहीं सरकार की जो हठधर्मिता है ना वो भी प्रभावित करी। मुझे याद आ रहा है सोना चांदी व्यापारियों की हड़ताल चली थी तो अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उन्होंने 1.5-2 महीने तक उनके प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए टाइम नहीं दिया था। तो इस तरह की हठधर्मिता भी देखने को, अरे भाई आप आपके ऑफिस के बाहर बैठा के बात तो सुनिए, मिल नहीं रहा आप तो बात तो सुनिए उनकी, अधिकार बनता आप लोग इन चीज़ों का। या यदि कोई आप नई कर प्रणाली लाए हो तो उसमें यदि कोई कठिनाई आ रही है तो आप बात तो सुने, आप बात सुनने को तैयार नहीं हो। तो ये इस तरह की हठधर्मिता इस बार ही देखने को आई है और लोग कहते हैं कि उसकी वजह है कि जनता से सीधे चुनाव प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा से बैठते हैं, जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के योजना बनाते हैं। एक सवाल जी, रही लंबे समय से आप पत्रकारिता में, हम लोग भी हैं पत्रकारिता में, हमने मैं समझता हूँ शायद इस शहर ने बड़े राष्ट्रीय स्तर के लीडर भी इंदौर से दिए हैं, चाहे अगर हम मजदूर नेताओं की बात करें तो राम सिंह भाई से लेकर गंगाराम तिवारी से लेकर द्रविड़ साहब से लेकर अपन सेठी जी तक आ जाएं, और सेठी जी के बाद में भी जो जनाधार वाले नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो जनाधार वाले जो लीडर हुआ करते जिनकी आवाज़ पे लोग माव में खड़े हो जाते थे, कांग्रेस में लीडरों की परंपरा ख़त्म हो गई है, सब अपने अपने क्षेत्रों के छत्रप हो गए। जो 2 नंबर की राजनीति कर रहा है वो 3 में नहीं जाता, जो 3 की कर रहा है
क्या कारण हो रहा है कि कांग्रेस में जो लीडर पैदा होना चाहिए, जिसके पीछे बड़ी भीड़ होती हुआ करती थी, जिसकी आवाज़ पे काम होता था, वो सब क्यों ख़त्म हो गया है? देखिए नवनीत जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। आज मैं सोच रहा था कि इंदौर के दो बड़े नेता हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश और विभाजित मध्य प्रदेश में भी टिकट में बड़ी भूमिका निभाते थे, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण मुरारी मोघे और कांग्रेस से महेश जोशी। इस चुनाव में दोनों की क्या स्थिति हुई ये पूरा शहर जानता है। महेश जोशी अपने बेटे के लिए एक टिकट नहीं ले पाए, वो कृष्ण मुरारी मोघे जो खरगोन जिले से टिकट मांग रहे थे, उनका नाम पैनल तक में नहीं आया। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया, ये उसका एक छोटा सा बिंदु है कि किस तरह से वरिष्ठ जनों की गति इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों में की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की हम राष्ट्रीय स्तर से बात करें, अभी मैंने एक चित्र देखा, उसमें संगठन मंत्री रामलाल जी, प्रधानमंत्री अमित शाह के पीछे असहनीय दयावान स्थिति में खड़े हुए हैं। और मतलब एक समय जिन नेताओं का जलवा होता था, उनको शनि शनि ये राजनीतिक स्टाइल ऐसी हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज जी पे पूरा फोकस आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन मंत्री हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, इन सबको दरकिनार कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव शिवराज सिंह चौहान पर केंद्रित है। उनके हिसाब से टिकट बटे, उनके हिसाब से पैसे बट रहे हैं, उनके हिसाब से रणनीति बन रही है। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय बोलबाला था मध्य प्रदेश में, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया, सुभाष यादव, अर्जुन सिंह, ऐसे दिग्गज नेता अजीत जोगी हुआ करते थे। फिर विभाजन हुआ, कुछ नेता छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ नेता यहाँ रह गए, लेकिन उन्हें नियोजित तरीके से अपने अपने इलाके में सीमित कर दिया गया। और उसके बाद जब दूसरी पारी दिग्विजय सिंह की आई, तो उसके बाद जो अंचल के नेता थे, उनको अपने अपने शहरों में या अपने अपने जिलों में सीमित कर दिया गया। महेश जोशी का मैं उदाहरण दूंगा कि एक समय पूरे मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी, और जब कांग्रेस सरकार का अंतिम दौर था तो इंदौर शहर तक उनको सीमित कर दिया गया, मोहन सिंह बुंदेला को धार तक कर दिया, महावीर वशिष्ठ को उज्जैन तक कर दिया। तो नेताओं को नियोजित तरीके से मुख्यमंत्री जो भी रहा उसने सीमित करा है। शिवराज सिंह ने उससे भी आगे बढ़ के काम करा, उनने तो इन नेताओं को ख़त्म कर दिया, इनने तो जिले तक सीमित करा था। आज शिवराज सिंह चौहान अकेले हमें कई बार खड़े नजर आते हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनका साथी कोई नहीं है। और धीरे 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 करते करते सुविधा की जो राजनीति थी वो अब दुविधा बन गई है। आज मध्य प्रदेश में नेताओं का संकट है, अब तात्कालिक लाभ हानि देख के, शुभ लाभ देख के नेता पैदा होते हैं, जात के हिसाब से पैदा होते हैं, पैसे के हिसाब से पैदा होते हैं। इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते, चाहे दोनों दल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब सिर्फ पैसे के आसपास और जात के आसपास, यदि आप उस कास्ट के हिसाब से बैठ रहे हो फिट तो ठीक है, नहीं तो आपका धनवान होना बहुत जरूरी है। तो अब वो नीचे से जो पोल आती थी, जो माना जाता था इंदौर का नाम, वो खत्म हो गया। और ये हालत इंदौर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हर जगह की। ये थे प्रवीण खारीवाल जी, मोहन जैन जी, जिन्होंने ये बताया कि कांग्रेस कहाँ पर अपनी गलतियों से कमज़ोर हो रही है। जो गलतियाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने दूसरे दौर में की थी, वही की वही गलतियाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए तीसरे दौर में अपने वो सारी गलतियाँ दोहराई। परिणाम जो भी होंगे समय के साथ पता लगेंगे, पर एक बार फिर हम लोग जो है वापस स्टूडियो चलते हैं। धन्यवाद।